एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। देखिए आज का जो हमारा टास्क है कि हम क्या करने वाले हैं कि हम चेक करेंगे कोई नंबर इवन है कि ऑड है, लेकिन हम मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे। हमें पता है कि अगर हमें चेक करना है कोई नंबर ऑड है या इवन है, तो हम सिंपली उस नंबर को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इफ वो नंबर मान लीजिए अगर 5 है एंड 5 मॉड्यूलर टू इक्वल टू 0 है, तो हम कह देते हैं कि वो नंबर क्या है, वो नंबर इवन है। इल्स क्या बोलते हैं कि वो ऑड है, लेकिन हमें मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। तो फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से नंबर को चेक करते हैं कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए देखिए आपको पता होगा एंड ऑपरेटर, बिटवाइस एंड, राइट। तो उससे पहले आप देखिए कि अगर कोई हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर है और उसका हम बाइनरी करें, जैसे यहां पर देखिए हमारे पास 5 है, 5 एक ऑड नंबर है और इसका हम बाइनरी करें, तो ये जो बाइनरी की लास्ट बिट होगी वो हमेशा 1 ही होगी अगर वो ऑड नंबर है तो, राइट। तो 5 अगर हमने लिखा है तो देखिए यहां पर ये लिखा है हमने, ये 2 की पावर से होती है, ये 1 है 2 की पावर 0, ये 2 है 2 की पावर 1, ये 4 है 2 पावर 2 और ये 8 है 2 पावर 3, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, राइट। तो अगर हम 5 का बाइनरी करें तो 4 प्लस 1 करने से 5 होगा, तो उसके नीचे हमने 1 कर दिया, बाकी सब 0 कर दिया और इसी तरह से हम बाइनरी करते हैं नंबर का, राइट। तो अगर कोई इवन ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो उसका बाइनरी बिट का जो बाइनरी नंबर का जो लास्ट बिट होगा वो हमेशा 1 होगा। यहां पर हमने आपको 5 का दिखाया, आप किसी का भी कर लीजिए, उसके लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा। और अगर हम 1 का बाइनरी लिखें तो 1 का बाइनरी तो पूरा 0 होगा और लास्ट में 1 होगा, क्योंकि 1 ही यहां पर है, तो 1 में 1 ही ऐड करना है, राइट। ऐड करके हम देखते हैं कि क्या क्या ऐड करने पर वो नंबर हमें मिल रही है, उसके नीचे हम 1 करते हैं, बाकी सबको 0। तो अगर 1 का हमें बाइनरी करना है तो यहां पर 1 लिखना है, बाकी ये सब 0 हो जाएंगे, राइट। तो ये बाइनरी करना आपको समझ आया हो। और जो ये अगर ऑड नंबर है तो उसका बाइनरी का जो लास्ट बिट होगा वो हमेशा 1 होगा। तो हम क्या करें अगर हम वो नंबर और 1 का एंड ऑपरेशन निकालें। यहां पर देखिए, यहां पर जो हमने अभी बॉक्स में बंद किया है, तो हमने 5 एंड 1 किया है, तो 5 एंड 1 यहां पर करिए। एंड ऑपरेशन का रूल क्या है कि अगर दोनों 1 1 है तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो यहां पर 1 एंड 1 इसलिए 1 आ गया, 0 0 0 होगा, 1 0 0 होगा, 0 0 0 और इसके अगर हमने और भी बिट ली होगी तो हमेशा 0 ही 0 होती जाएगी। तो यहां पर 1 और 1 1 आ रहा है, देखिए। तो अगर कोई ऑड नंबर है उसका हम 1 के साथ एंड ऑपरेशन यहां परफॉर्म करें तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। लेकिन ध्यान रखें कि आपको एंड ऑपरेशन 1 के साथ में ही परफॉर्म करना है, तभी वो हमेशा 1 आएगा। अगर आप किसी अदर नंबर का अदर नंबर के साथ एंड लेते हैं तो जरूरी नहीं कि 1 आएगा, हो सकता है कोई दूसरी नंबर भी आ जाए, राइट। और वो इवन के साथ भी टूट सकता है। आप किसी इवन नंबर का किसी नंबर के साथ अगर एंड ऑपरेशन लेंगे तो हो सकता है कि वो नंबर एक ट्रू नंबर हो, राइट। तो यहां पर आपको समझाया कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर का 1 के साथ एंड ऑपरेशन लेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो यहां पर देखिए, और अगर ये 1 आ रहा है तो जो कि एक ट्रू है, राइट। तो इसको हम कोडिंग में यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज करेंगे देखिए, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 5 एंड 1 करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 एंड 1 करेंगे। तो अगर 5 एंड 1 क्या है, 5 एंड 1 ट्रू है तो वो नंबर क्या है, ऑड है। तो यहां पर हमें इवन की जगह पर लिखना पड़ेगा क्या, ऑड। इल्स में क्या लिखना पड़ेगा, इवन, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आया हो और अब आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए, राइट। आपको एक एन में एक नंबर स्टोर करनी है तो यहां पर आपको लिखना है एन, एन एंड 1 1 आएगा, इसलिए वो ट्रू है। तो फिर क्या है, वो नंबर ऑड है, तो आपको ऑड प्रिंट करना है प्रिंटफ लगा के, राइट। यहां पर आपको प्रिंटफ लगाना है और क्या प्रिंट करना है, ऑड प्रिंट करना है इस तरह से। और यहां पर क्या प्रिंट करना है, प्रिंटफ लगा के क्या प्रिंट करना है, इवन प्रिंट करना है, ओके। इस तरह से ये हो जाएगा,
तो आप इसको करके देखिए एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो दूसरे नंबर के साथ अगर कोई आड नंबर है, अगर मान लीजिए आप टू के साथ बाइनरी ले रहे हैं, ओके, अगर मान लीजिए इस फाइव का आप टू के साथ बाइनरी ले, तो टू का बाइनरी क्या होगा, 0010, तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं आपको कि वन के साथ ही बाइनरी लें, तभी वो हमेशा आपको आंसर वन मिलेगा। अदर नंबर के साथ अगर आप बाइनरी करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपका आंसर गलत भी आ जाए। राइट, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच।